नमस्कार, हिंदुस्तान न्यूज़ टेली में आप सभी का स्वागत है। मोतिहारी की सिकरहना नदी में नाव पलटने से बड़ा हादसा, 22 लोग डूबे, 6 के शव बरामद। बिहार के मोतिहारी में रविवार को नाव पलटने से बड़ा हादसा हो गया। सिकरहना नदी में नाव पलटने से 22 लोग डूब गए हैं। वहीं सूत्रों के मुताबिक अब तक 6 शव बरामद हुए हैं। शिकारगंज थाना अध्यक्ष के अनुसार अब तक एक बच्ची का शव नदी से निकाला गया है, जिसकी पहचान चांदनी कुमारी के रूप में की गई है। नाव पलटने की सूचना मिलते ही गांव में कोहराम मच गया है। घटना की सूचना के बाद घटना स्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई है। जानकारी के अनुसार मौके पर कई अधिकारी भी मौजूद है। रेस्क्यू टीम लोगों को निकालने में जुटी हुई है। वहीं स्थानीय गोताखोर भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। बताया जा रहा है कि नाव चला रहा व्यक्ति तैरकर बाहर निकलने में कामयाब रहा। मौके पर व्यापक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुलिस बल भी मौके पर मौजूद है। स्थानीय लोग भी राहत और बचाव कार्य में लगे हुए हैं। इससे पहले परवलपुर के लक्ष्मी बिघना गांव में मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया था। यहां 7 बच्चियां पानी में डूब गई थी। इसमें से 2 बच्चों को गाँव वालों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया था। जानकारी के अनुसार गांव की ब्यूटी कुमारी, रिंकी कुमारी, सिमरन कुमारी, अंशु कुमारी और विरमानी कुमार सभी मूर्ति विसर्जन करने बगल की नदी में गई थी। यहां फिसलने से सभी डूब गए थे। वहीं बिहार के बांका में नदी में डूबने से 3 बच्चियों की मौत हो गई थी, जबकि 2 बच्चियों को ग्रामीणों ने बचा लिया था। सभी बेटियां नदी में नहाने गई थी। नदी में उतरते ही तेज बहाव के कारण बच्चियां डूबने लगी। किनारे पर मौजूद लोगों ने तुरंत नदी में छलांग लगाकर 2 बच्चियों की जान बचा ली। वहीं 3 अन्य बच्चियां नदी की तेज धार में बह गई। ग्रामीणों और गोताखोरों ने काफी मशक्कत के बाद 3 शवों को बरामद किया। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए हिंदुस्तान न्यूज़ डेली को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।